बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम बना रहे हैं सेवइयां, हमें भी मोटी वाली। तो किस तरह से बनती हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने खाली पैन लिया, खाली पैन में मैंने कुछ भी नहीं डाला। और इसको घी में फ्राई करना है, कोशिश करें घी में फ्राई करें, ठीक है। पैन को हम गर्म करिए, आलू चाहिए, पनीर चाहिए, दो इलायचियाँ क्योंकि मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है इलायचियों का तो आप मत डालें। और इसको इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी, मेरे मज़े की ड्राई ड्राई सी बनती हैं और मेरी तो ये फेवरेट है। पैन को और इसमें जाएगा हमारा घी। घी ही अच्छी लगती है। घी में फ्राई करें, ये हम दूध वाली नहीं बना रहे, ये ड्राई फॉर्म में बना रहे हैं, जिस तरह ड्राई ड्राई होती है। तो हमने हल्का वाला सा फ्राई करना है, ठीक है। और अब चाहिए इसमें शुगर, आप इसमें ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, मैं व्हाइट वाली यूज कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें जाना है पानी, एकदम पकेंगी सेवइयां भी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो मज़े का फ्लेवर आएगा। शुगर थोड़ी सी आप टेस्ट कर लें, अगर आपको सही लग रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं सही लग रही तो फिर थोड़ी सी और डाल दें। क्योंकि ये चीनी इतनी वो नहीं है, इसे कहते हैं कि मीठी नहीं है। साथ में अपने शुगर पॉट को भी रिफिल करें क्योंकि जल्दी से काम हो जाता है ना। सिंपल बनाएंगे, ठीक है। चूल्हे को थोड़ा सा हम
पूरा पैन दिखा दूँ। चूल्हे को करेंगे थोड़ा सा तेज और उसको हमने छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाती, ठीक है। और इसको हमने कम से कम 15 मिनट्स देंगे बनाने के लिए। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद, आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, आधे घंटे बाद ये शक्ल होगी इन सेवइयों की, बिल्कुल पानी इसका आपने ड्राई करना है, ठीक है। और ये इसी तरह अगर आप चाहें तो आप दूध में भी इसको बना सकते हैं या ब्राउन शुगर में। ये वाली सेवइयाँ जो है बहुत मज़े की लगती हैं। जो लोग जिनको मिल्क से एलर्जी होती है वो ये खा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उनको। और इसके ऊपर हम लोग बादाम डालेंगे, उसको सर्व करेंगे, ठीक है। नाइफ है मेरे पास, ये है हमारे एलमंड्स, आप इसके ऊपर खोया डाल के भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बड़े मज़े की लगती हैं। तकरीबन आधे घंटे का काम है, अगर आप गर्म पानी करके डालेंगे तो फिर तो जल्दी से बन जाएंगी, लेकिन अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो फिर थोड़ा उनको टाइम लगेगा। चले जी, हमारी सेवइयाँ तैयार हैं और करीब से आपको मैं इसका व्यू दे देती हूँ। देखें मज़ेदार किस्म की सेवइयाँ। और वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ किसी नई वीडियो के साथ। अपने और अपने जाने वालों का ख्याल रखें और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।